प्रमाण विपर्य विकल्प स्मृति निद्रा, ये पांच प्रकार की वृत्तियां चित्त में उठती हैं। सारी अनुभूतियां प्रत्यक्ष और प्रमाणों से, अब वो प्रमाण विपर्य था, वो मिसकंसेप्शन था, मिथ्या ज्ञान था, भ्रम ज्ञान था, अथवा वो प्रत्यक्ष था, सत्य ज्ञान था, यथार्थ ज्ञान था, वे सब स्मृतियों में बदल जाते हैं। और ये स्मृतियां संस्कार रूप से चित्त में रहती हैं। यही संस्कार चित्त को बार बार फिर फिर उन्हीं उन्हीं से जुड़े हुए भावों के साथ प्रेरित करती है। इसलिए एक तामसिक व्यक्ति तामसिकता में ही जीता ही रहता है, जीता ही रहता है, जीता ही रहता है, उससे बाहर नहीं आ पाता। संस्कार वो हो रहे हैं, इसलिए वृत्तियां वही बन रही हैं। इसलिए उसकी जो ड्राइव्स हैं, जो उसके वेग उठते हैं, वह वैसे बन जाते। योग ये कहता है कि आपके चित्त में उठी ये वृत्तियां एक बाधा है आपके स्वरूप निष्ठ होने में। ये जरूरी नहीं कि जो भ्रांतियां हैं वही भटकाती हैं, जो आपके चित्त में छाप छूट जाते हैं। देखिए, कोई भी ऐसा अनुभव नहीं होता है इंद्रिय जिसके साथ कुछ इमोशनल कलर ना जुड़ा हुआ हो। हर अनुभूति सुख या दुख कुछ दे के जाती है। सुख से आपको राग है, दुख से आपको द्वेष है। इन जनरल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग दैट इज ट्रू। हम सब सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। दुख क्लेश देता है, पर सच ये है सुख भी क्लेश देता है। सुख एक एक्साइटमेंट लेके आता है, एक्साइटमेंट इज अ डिस्टर्बेंस। दुख से क्लेश होता है, दुख भी एक वेग है, एक लहर है। तो राग द्वेष से प्रभावित हुए, सुख और दुख से अनुभूत हुए, ये जो संस्कार बनते हैं, इन संस्कारों से प्रेरित हुए फिर वैसे विचार, फिर वैसे कर्म, फिर वैसे एक क्रम चलता रहता है। हर वृत्ति एक विक्षेप देती है। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम यह कहा कि योग का लक्ष्य है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। समस्त वृत्तियों का निरोध ये आपका लक्ष्य है और होना चाहिए। पर ऐसा कोई समय तो दिखता नहीं है कि जब चित्त में वृत्तियां ना उठती हों, जागृत में स्वप्न में दोनों में एक आंधी चलती है, एक लहर चित्त पे बनती ही रहती है। मोह से अंधा हुआ, लोभ से धकेला गया,
अहंकार से पीड़ित ये चित, तामसिक और राजसिक प्रवृत्तियों में दिन के जागृत के काल में वेकिंग स्टेट में लगा ही रहता है, कुछ ना करे, पेड़ के तले बैठा रहे तो भी कान कुछ सुनेंगे एक वृत्ति बनेगी, आंख दिखेगी कुछ वृत्ति बनेगी, आंख बंद करेगा स्मृति बनेगी। ये जो परमानेंट डिस्टर्बेंसेस इस चित्त में चलती हैं, उन डिस्टर्बेंसेस की वजह से हमारे चित्त में जिस तीसरी अवस्था की बात वो कहते हैं, वो तीसरी अवस्था बन ही नहीं पाती। मनुष्य जो है वह बस कम डिस्टर्बेंस और ज़्यादा डिस्टर्बेंस, और कभी कभी डिस्टर्बेंस तो है पर क्यों है ये पता नहीं। क्षिप्तावस्था को अगर कहें तो क्षिप्तावस्था में यही नहीं पता चलता है कि मन परेशानी क्यों है। तामसिक प्रवृत्ति है, भय भय में डूबा रहता है, प्रमाद में आ जाएगा तो कुछ करने का मन नहीं करता। तो मनुष्यों का स्वभाव यह, कुछ करने को ना हो तो सारा दिन वो बिस्तर में पड़े रह सकते हैं, बैठे बैठे सोच सकते हैं, सोच के घेर में पड़े, विचारों के घेर में पड़े, वासनाओं से पीड़ित। अब ऐसे मन का किए तो क्या किए, अब ये चित्त कहाँ और कब एकाग्रता को प्राप्त होगा, बड़ा मुश्किल। ड्राइव नहीं है, क्योंकि अभी जैसा जीवन जी रहे हैं ना उसकी कोई पीड़ा नहीं है। अज्ञानता से भरे हुए जीवन को जीने में कोई पीड़ा नहीं हो रही, इसलिए जैसा है जो चल रहा है लेट इट बी सो, चलने दो इसको वैसा ही चलने दो, हमें कुछ चेंज नहीं करना है। इस आलस्य के कारण मनुष्य प्रमाद में जन्मता है, प्रमाद में मर जाता है, और इसी प्रमाद में फिर जन्म हो जाता है, तो अंधे जन्मे अंधे जिए, फिर अंधे जन्मे मरे, फिर जन्मे फिर मरे, फिर जन्मे फिर मरे। अब हम चाहते हैं कि इसको कहीं तो ब्रेक लग जाए, अब ये ब्रेक लगे कैसे, स्मृतियों का जाल है, स्मृतियां अनुभूतियों की है। अनुभूति कब बंद होती बोलो, किसी भी समय बंद नहीं होती, इंद्रिय के द्वार खुले ही रहते हैं, और इन खुले हुए द्वारों से मनुष्य जो है वो एक के बाद एक इन पंच इंद्रियों से और आई जा रही, इनपुट हुए जा रहा है, और जो भी इनपुट अंदर जाता है उसके ऊपर एक लेबल लगता जाता है, ये अच्छा है ये बुरा, ये अच्छा है ये बुरा, इसमें मेरा राग है, इसमें मेरे को द्वेष है, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये मुझे अच्छा लगा, स्टंपिंग हो जाती, या यूं मैं कहूँ फाइलिंग हो जाती चित्त में। इसलिए हर अनुभूति की एक फाइल बनी हुई है, और उस हर अनुभूति से निकलती है क्या, एक और ख्वाहिश, एक और वासना, एक और इच्छा, फिर वो इच्छा भटकाती है, फिर उस इच्छा के पीछे लगा हुआ जीव फिर पीड़ित होगा, फिर पीड़ित होगा, फिर पीड़ित होगा। तो कहा अपने इस चित्त में निरंतर उठते वृत्तियों के इस बवंडर को कम करो, डू समथिंग अबाउट इट, कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि नहीं कुछ करेंगे तो ये कुचक्र है जो चल रहा है, विच इज नेवर एंडिंग, प्रकृति प्रवाह रूप है, चेंज होती रहेंगी चीजें, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से फिर स्थूल,
शरीर बनता है, मिट जाता है, फिर बनता है, फिर मिट जाता है, फिर बनता है, फिर मिट जाता है। अब इस बनते मिटते शरीर के अंदर ये फंसा हुआ जीव, संस्कारों से बंधा हुआ जीव, राग द्वेष से बंधा हुआ जीव, अहंकार से पीड़ित जीव कर्म करता रहता है। कर्म के फल भोगने हेतु जन्म होते रहेंगे, तो कर्म करो, फल भोगो, फल भोगो। अच्छा, फल भोगते हुए में भी फिर नए कर्म हो जाते। कहा मन के ऊपर ब्रेक लगाइए। अब मन के ऊपर हम ब्रेक लगावें तो लगावें कैसे, क्या करें, क्या किया जा सकता है? व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड बी डू? स्टेप वन, कहा पहले जीवन में अनुशासन लेके आइए और ये विवेक जागृत करिए कि दिस इज नॉट द गेम विच यू विश टू प्ले। आप इस गेम से अब अपने आप को बाहर करना चाहते हो, अपनी पीड़ाओं से मुक्त होना चाहते हो, अपने आप को जानकर, अपने दृष्टा भाव में टिककर, समाधिस्थ होकर, सब विक्षेपों से मुक्त होकर परम शांति, परम सुख, परमानंद में जीना चाहते। जीव के इस अज्ञान अंधता से बाहर निकलने का पहला स्टेप का सद्गुरु प्राप्ति होवे। कोई भी योग का ग्रंथ है वो शुरू इससे ही होता है कि अगर आपके जीवन में सक्षम गुरु नहीं है तो भले आपको कोई भी शास्त्र, दुर्लभ शास्त्र भी सुलभ हो जाए, मैंने जो अनअवेलेबल है वो भी अवेलेबल हो जाए और सब आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाए, लेकिन वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिलकर के भी आपको संप्रज्ञात समाधि तक नहीं पहुंचा पाएंगे। पहले गुरु चाहिए। आपने एक चीज नोट करी, पतंजलि में इस सब सूत्र जब जितने अभी तक हमने देखे हैं, वह इसकी बात तो नहीं कर रहे हैं कि कमर दर्द हो तो क्या करो, और सिर दर्द हो तो क्या करो, और बीपी हो तो क्या करो, जो कि आज के समय में लोग योग को यही समझते हैं, दुख दर्द दूर करो तो योग करो। जो अभी शरीर के दुख दर्दों में फंसा हुआ है वह व्यक्ति तो योग की धरती में अभी प्रवेश भी नहीं किया। पतंजल सूत्र तक पहुंचने से पहले योग आसनों के अभ्यास से, प्राणायाम के अभ्यास से, उचित खान पान के अभ्यास से वो शरीर को साध चुका होता है। समस्या बचती है अब फिर मन की, इसलिए वो शुरू कहाँ से होते हैं? योग चित्त वृत्ति निरोध, सीधे मन की बात कर रहे हैं, उसके पहले की कोई वो बात कर ही नहीं रहे। इसलिए इस पूरी सीरीज में कृपया मुझे अपनी बीमारियों के पत्र और सुझाव ना पूछें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं उसको नहीं लूंगी। हाँ, सुबह की सभा में जब आप आसनों को सीख रहे हैं तो उस समय पर जो भी हमारे शिष्य मौजूद हों आप उनसे चर्चा कर लीजिए, वो जो जानते होंगे वो बताएंगे। शास्त्र संबंधी जब योग शिविर होता है वो एक बिल्कुल अलग विषय है, ये पतंजलि योग है। इसमें शरीर और शरीर की बीमारियों के समाधान और उसके उपाय की अनफॉर्चुनेटली कोई जगह ही नहीं है। और फिर मेरा विषय भी इतना विस्तार में और इतना विस्तृत है कि आई नीड टू अटेंड टू दैट फर्स्ट।
अब जब बात आती है मन की, चित्त की, वृत्तियों की, तो कहा इन वृत्तियों में आपका चित्त 24 घंटे रहता है। माने जब आप जागृत अवस्था में होते हैं तब उस समय पर प्रत्यक्ष और अनुमान ये बहुत जोर से कार्य करते रहते हैं, और स्मृतियों के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है, और जो अनुभव करते हैं उसकी भी एक स्मृति बनती, तो स्मृति तो सबका आधार है। तो अनुभूति स्मृति, अनुभूति स्मृति, प्रत्यक्ष अनुमान अनुभूति स्मृति, और फिर निद्रा। अब ये अनुभूति करते समय में कुछ विपरीय ज्ञान हो जाते हैं, कुछ मिथ्या ज्ञान हो जाते हैं, तो ये हलन चलन चित्त का चलता रहता है। अब इसका तोड़ क्या करे, तो कहा इसका तोड़ ये होना चाहिए कि हम अपने जीवन में एक ऐसा अभ्यास लाएं जिस अभ्यास के साथ हमारे चित्त में ये जो बहिर्मुखता है ये खत्म हो। अभी आपकी ट्रेनिंग सिर्फ बहिर्मुखता की है, सुबह उठते ही लगता अच्छा आज क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या देखेंगे, क्या बोलेंगे, किसको मिलेंगे,